नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए नजर डालते हैं आज के सबसे बड़े खबर पर। यादव सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, आजमगढ़ के लालगंज राम जानकी मैदान में यादव सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्याम कन्हैया आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। सम्मेलन चल रहा है, आप देख सकते हैं कुछ ही देर में जो है पूरी तरीके से चालू हो जाएगा, लोग आना शुरू कर दिए हैं। और यादव सम्मेलन जो है चल रहा है, छठ का चार दिवसीय पर्व हुआ संपन्न। जी हां, बलिया के सिकंदरपुर के रविवार की सुबह उदयभान सूर्य के व्रतियों द्वारा अर्घ देने के साथ ही छठ का चार दिवसीय पर्व संपन्न हुआ। इसके पर्व शनिवार की शाम को व्रतियों ने अस्तांचल सूर्य को अर्घ दिया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष रविन्द्र वर्मा एवं यूओ संजय कुमार राव ने नगर के छठ घाटों का भ्रमण कर लोगों को छठ का हार्दिक बधाई दिया गया। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मौजूद भट्टवाचक की प्रधान अनिता पांडे और प्रतिनिधि राजू पांडे ने भी लोगों को छठ पर्व की बधाई दिया। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की रिपोर्ट। आज पूरे देश में छठ पर्व मनाया जा रहा है, इसी एवज में आज आप भी उपस्थित हुए हैं। इस छठ पर्व के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे नगर वासियों को? आज जो है व्रत मनाएंगे छठ पर्व, जो है घाट पर चतुर्थी व्रत मना रहे हैं। और मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ, हर साल जो है मनाए, और यहाँ के जितने जो है आपके सहयोगी हैं और जनता है, धन्यवाद देता हूँ। सर, चूंकि पूरा देश आस्था का पर्व, सर पूरा देश हिंदुस्तान मना रहा है, सर इसमें सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को सबसे संदेश क्या देंगे? मेरे तरफ से और मेरे समस्त नगर पंचायत कर्मचारी और चेयरमैन साहब यहाँ पे आए और सभी पत्रकार बंधु लोग हैं जी, सबसे पहले हम सब छठ पर्व पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है, हम लोग साफ सफाई की व्यवस्था का उत्तम प्रबंध किए हुए हैं। सर, चूँकि आप नगर के यू हैं, तो इस पर्व पर नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से त्यौहार मनाए? मैं नगर वासियों से अपील यही करूँगा कि जिस तरह आज साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर हुई है, स्वयं इसमें और सर, आने वाले समय में चूंकि एक साथ मनाया जाता है, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संविधान में आप क्या रखना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि इसी तरह नगर पंचायत विकास करता रहे, और यहाँ जो दिख रहा है मैं चाहूँगा कि यहाँ और भी धन्यवाद। ठीक है, बोलिए, ये छठ पूजा मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? अपने परिवार के सुख शांति के लिए मनाया जाता है, और श्रद्धा है सूर्य भगवान में, क्योंकि आस्था का पर्व, आस्था का पर्व है, पूरा हिंदुस्तान मनाता है, इसलिए हम लोग भी मनाते हैं। ये छठ पूजा कहाँ से आया? ये छठ पूजा बिहार से आया है जी, धीरे धीरे यूपी में भी चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया, और हम लोग भी छठ मान, जिस चीज को मान के करते हैं वो पूरा करती है, इसलिए हम लोग का आस्था बन गया। हम तो 20 साल से छठ व्रत कर रहे हैं जी। इसमें किस तरह का व्रत व्रत कोई रखा जाता है? इसमें व्रत 3 दिन चलता है जी। एक दिन नहाई खाई होता है, दूसरे दिन मतलब खरना वाला व्रत होता है, छोटा छठ का होता है, और तीसरे दिन ये बड़ा वाला छठ होता है। जैसे जो पूजा होती है वह किसके लिए पूजा की जाती है? सूर्य देवता की पूजा होती है जी। मन की जो कामना होती है वो कैसी कामना होती है? कि मन की जो कामना, मन में जो भी आस्था होता है, धन जान पुत्र नौकरी, जिस चीज के लिए आदमी मान के करता है वो सूर्य भगवान पूरा करते हैं, और यही सब हम लोग लेकर के इसी आस्था को और छठ पर्व। सूर्य की पूजा आप लोग कब से कब तक करते हैं, कब कब कितनी बार? हम लोग 2 टाइम सूर्य का पूजा करते हैं, सूर्य एक सूर्य अस्त के समय और एक सूर्योदय के समय। चलिए, चूँकि सभा की, ग्राम सभा की प्रधान आप हैं, ये बताइए कि आज तो भी देशवासी, पूरा देश मना रहा है, सिकंदरपुर क्षेत्रवासियों को क्या बधाई दे रहे हैं, बधाई के रूप में कहना चाहेंगे आप, कुछ संदेश दे दीजिए क्षेत्रवासियों को, बधाई क्या देंगे आज के शुभ अवसर पर? आज कुछ पर्व के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप, जो भी कुछ भी आए बता दीजिए।
सभा में उमड़ा जनसैलाब। जी हां, आज अंबाला छावनी से पूर्व मंत्री रहे चौधरी निर्मल सिंह की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। इस मौके पर उनकी बेटी चित्रा सरवार, बिट्टू चावला, हिमंत सिंह, नितिन भाटिया व 36 बिरादरी के लोग शामिल रहे। उन्होंने लोगों से वादा किया कि किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं देंगे और वह स्वयं अपनी पार्टी बनाएंगे। अंबाला से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। चौदुर्गा सिंह, सहदेव प्रकाश सिंह, गुरजोत सिंह, परमपाल राणा जी, चौधरी गुलजार, गगनदीप जी जो आम पार्टी के नेता हैं, और मेरे बहुत से सिपा सलार जो उत्तरी हरियाणा के इस संघर्ष में एक लंबे समय से मेरे हम सफर बन के मेरे साथ चलते रहे, और उन्होंने उतार चढ़ाव मेरे साथ देखे और बड़े कष्ट भी से इस इलाका को शासी तौर पर जागरूक किया और इसमें एक अहम भूमिका निभाई, और मेरे बहादुर सिपाहियों, जर्नैलों और योद्धाओं, आप सबका यहाँ स्वागत है। मेरे प्रेस के भाई आए हैं, उनका भी जो है यहाँ पे स्वागत है। जब आनंद फानंद में जिंदल साहब ने चुनाव के मैदान से अपने आप को हटा लिया कुक्षेत्र में, तो पार्टी ने मुझे वहाँ जाने के और चुनाव लड़ने के आदेश दिए। मेरे साथियों ने मुझे कहा कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन मुझे ही बहुत चाव था, बहुत शौक था, और मैं आत्मा से मांग गया था, क्योंकि मैं उस रणभूमि को बहुत दिनों से तलाश रहा था। वहाँ हिसाब लगाओ, हिसाब चुकाओ, जाके बड़े बड़े इकट्ठ करे, और उस पवित्र भूमि को मैं इस महाभारत की जो है भूमि बनाने की घटना फदाई के लिए वहाँ आए। मैं बहुत आभारी हूँ और मेरा हौसला जो है बहुत बड़ा। इस बार यहाँ की जो राम कहानी आपको आपके सब समझ में आई, तभी जमान में सबने कहा कि उत्तरी हरियाणा में या अंबाला में हमें कोई भारी उम्मीदवार नहीं चाहिए। दरअसल ये लड़ाई हमेशा रही है। निर्मल सिंह ने 80 में इस बात का विरोध किया था जब चौधरी भजनलाल पूरे 37-40 लोग, और मैं हमेशा कहा है कि उम्मीदवार का मात्र वोटों का संबंध इलाका के लोगों के साथ नहीं होता, बल्कि उस तरह हजार किस्म की शांत लोगों के साथ पैदा करता है। आज फिर ये प्रश्न खड़े हुए। मैं कहा था कई बार इंसान से होती है बात कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है, दुनिया ने जमाने के वो दौर भी देखे हैं। मैं तुम्हारी शहर तक कुछ दुनिया आई, उसका वेलकम किया और ये समझ के उसको स्वीकार कर लिया कि उत्तरी हरियाणा की इस महाभारत में वो मेरा साथी बनेगी और मेरे पाले से लड़ेगी। यही मुझे आश्वासन दिया था, और निर्मल सिंह का अकेले का फैसला नहीं था, बल्कि सिद्ध भूपिंदर सिंह हुड्डा और जो है चौधरी राव धाम सिंह, और उसमें बहुत से लीडर उसमें थे जब ये बात बनी, क्योंकि उस वक्त ये घबराए हुए थे, इनको भजनलाल से डर लगता था इस संस्था में, और ये यहाँ आई थी। मैंने राजनीतिक कमाई जिंदगी भर की इनकी जोड़ी में डाली इस ख्याल से कि जो है ये मेरा साथ देंगी और इस इलाका की लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी साहब ने भी, आपको ध्यान होगा, जब हिसाल इनके बाद तो कुमारी शैलजा के बाद तो साफ ही तो एक ही कारण था निर्मल सिंह और चित्रा मोहिमा सिंह को बाहर निकालने का, कि वो कोई कांग्रेस का आधार यहाँ चाहती ही नहीं है, वो नवी कांग्रेस चाहती थी, ताकि कोई भी मेरे सामने किसी और का जिंदाबाद का नाम या नारा न लगे, यही इसका एक कारण था। और आज भी मैं आपसे कहूँगा, आज भी सबकी निगाह उत्तरी हरियाणा पे ही है। अगर आप पूरी ज्योग्राफी उठा के देखो तो सब अपने अपने इलाकों में आई नहीं। आज किसको नहीं चाहिए उत्तरी हरियाणा? जिसको भी अगला राज बनाना है, जिसने भी आगे बढ़ना है, उसको उत्तरी हरियाणा चाहिए। आज ही आपके दरबार में सब पार्टियां हैं, लेकिन नहीं, आज आपका फैसला मैं मान लूंगा। जो मेरे को 36 जाति बरादरी के लोगों ने मेरी इमदाद करी है और जो मेरे साथी नाज के हैं, उन्हीं भावना को सत्कार करते हुए मैं इस बात का जो है आपके बताए रास्ते पे चलूंगा। अब आज हसर क्या हुआ? हसर क्या है कि 1200 एप्लीकेशन थी कांग्रेस पार्टी के पास, वो किसने आसाम की बनाई थी, 50 सीटों टिकटों का टिकटों में पहले ही पता था के लड़ेंगे, तो वो जो 1200 दरखास्तें थी किसने दी, किसने दिलवाई? इन सब लीडरों ने एक ही हलके में कई टिकटें बांट के, एक ही सीट पे कई टिकटें बांट दी। कोई हुड्डा साहब के पास जा रहा है, कोई किरण चौधरी के पास जा रहा है, कोई तमर के पास जा रहा है, कोई सुरजेवाला के पास जा रहा है, इतनी टिकटों में दुकानें थी और लगातार उनकी दुकान टिकटार्थी चलाते रहे। आज बेचारे सब जो है निराश और हताश हो गए, अपने अपने घरों में है, और यही पार्टी की हार का कारण है। आज इस वचन के साथ कि निर्मल सिंह, ये तो समय होता है और चैलेंजेस होते हैं,
इंसान को जवान भी करते हैं, उसके दिमाग को मजबूत भी करते हैं और हम उन शिक्षाओं को भी याद दिलाते हैं जो महापुरुषों ने इस भूमि पर दी थी। यानी आज गुरुदेव सिंह ने कहा, सिख ही कहा है कि देह है शिवा मर मोहे, शुभ कर्म में से कब ही न टरूं, न टरूं वर्षों रण रण में जब जूझ पड़ूं और निश्चय कर अपनी जीत करूं। आज 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 वो सब ये दुलदा खून सीता ना तकदीर बदल दी कौम दी। आज शहादत का समय आ गया, शहादत अब तलवार से शायद कोई हमारा सर काट के हमें सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होगा कि हमें एकदम बड़ा नाम कमा लें। हमें रोज तपना होगा, हमें रोज फिरना होगा, हमें दोबारा से अपनी और हमारा हर फार्मर भी है आज ही कल बड़ी सर मैंडेट आया और आज ही फार्मर सड़कों पर, आज ही फार्मर को जो है उसको उसके अंधेरा करते हैं उसकी जिंदगी में, ऐसी ऐसी नीतियां सामने आ रही हैं। आइए किसानों का देश है, निर्मल सिंह और वो लड़ाई उनकी अनाउंसमेंट कर देंगे और फरवरी के महीने में एक बहुत बड़ा कट हम अम्बाला शहर में करेंगे। और मैं ये ख्याल रखूंगा कि मेरे योद्धे मेरे जनरल थके ना फ्रेश रहें, मैं थोड़े समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। मैं ट्रॉली लगाऊंगा अपने दोस्तों की अपने साथियों की गांवों से, लेकिन 5 साल में सिर्फ 6 बार, 7वां दिन नहीं निर्मल सिंह को चाहिए आप, सिर्फ 6 दिन वक्त उसी वक्त तय करो कि निर्मल सिंह आज तुम गलत कर रहे हैं। निर्मल सिंह की पूरी जवाबदेही आपके प्रति जो है हमेशा रहेगी। आज मेरा दोस्त ये खड़ा है, सवेरे मेरे से बात कर रहा है, ये मेरा भाई है, कभी पीट नहीं दूंगा और इसको छोड़ के कभी समझौता भी नहीं करूंगा। और ये भी बताऊं, जब बार्गेनिंग कोई मेरे से करेगा तो बढ़िया को ही मांगे करेंगे कि ठीक से 2 पैसे का तेल अपना झंडा डंडा हम तय कर लेंगे अगली मीटिंग में के बाद। चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद, चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद। इस इलाके में सभी बोले हम ही करेंगे। जो ही करेंगे हम ही करेंगे, जो कुछ भी करेंगे हम ही करेंगे, जो कुछ भी करेंगे हम ही करेंगे। बोले सोनिया, हर हर महादेव, साफ हमारा नारा है, साफ हमारा नारा है। अब आगे और जो टीम हमारे साथ जुड़ी है तो उसके साथ एक समीक्षा बहुत जरूरी थी कि अब हम आगे किस तरह से रखें, चुनावी प्रक्रिया को बंद करेंगे, तो उसी के ऊपर एक विचार विमर्श का सबसे विचार साझा करने के लिए करेंगे। तो शहर से सारी टीम्स आई थी, कैंट से भी आई थी, बाकी हल्कों से भी हमारे पास नहीं था, तो यही था कि भी आगे की रूपरेखा हमारी क्या रहे। और उसमें सबने ये डिसाइड किया कि हम एक अपना आज़ाद एक मोर्चा बनाएंगे, जिसका नाम झंडा कलर सारा कुछ अभी फाइनल होना है और वो झंडा बना के अपना एक मोर्चा बना के हम जो काम कर रहे हैं तो उसे आगे करेंगे। पार्टी का ऐलान कब करेंगे? देखिए, पार्टी और मोर्चे में मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ थोड़ा फर्क होता है, तो मैं ये कहूँ कि जो मोर्चा हमारा है इसके 1 महीने के अंदर तक हम उसमें ऐलान करेंगे, इसका सारा कुछ फाइनल करेंगे। जैसे कि MC के इलेक्शन वाले आ रहे हैं, इससे पहले ही आप शांति वातावरण में संपन्न हुआ छठ पर्व। जी हाँ, बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के चेतन किशोर ग्राम प्रधान रंजीश राय ने शांति वातावरण में छठ पर्व संपन्न हो जाने पर सभी को बधाई दिया। कहा कि कोई भी त्योहार सामाजिक सद्भाव के प्रतीक होते हैं, त्योहारों के अवसर पर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में तनाव पैदा हो सके। इसी क्रम में भाजपा नेता रंजीत राय ने भी छठ पर्व संपन्न हो जाने पर सभी को बधाई दी और अध्यापक सुनील खरवार ने भी इलाकाई लोगों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई दी। इसी के साथ पुलिस चौकी निवासी बीजेपी नेता जितेंद्र सोनी एवं भाजपा नेता लाल बच्चन शर्मा ने छठ पर्व का शांति पूर्वक संपन्न हो जाने पर नगरवासियों को हार्दिक बधाई दी। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद से बात करते प्रधान रंजीत राय और बीजेपी नेता रंजीत राय व साथ में अध्यापक सुनील खरवार। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की रिपोर्ट। आज चूंकि पूरे देश में उत्तर भारत में छठ पर्व मनाया जा रहा है, तो इस छठ पर्व के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
पूरे हिंदू समाज में हम इस छठ पर्व के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि इसी एक उपासना है, लोग अपना श्रद्धा से छठ मना रहे हैं और अच्छी तरीक़ा से जो है ये सद्भावना और प्रेम से जो है ये छठ मनाया जा रहा है। सारे हिंदू वर्ग अच्छे ढंग से लोग मना रहे हैं। ये छठ पर्व में किसकी पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की, भगवान सूर्य का जो है किया जाता है पूजा इसमें। जैसे त्यौहार जो है वह भाईचारा का संदेश लेकर आते हैं, इस पे आप क्या कहते कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी त्यौहार आता है, जो भी त्यौहार आता है, कि ये एक प्रेम और एक मोहब्बत का संदेश देके जाता है कि आपस में मिलत रहें, किसी प्रकार का कोई बवाल ना हो। ये त्यौहार हम लोगों का एक परंपरागत है और सरकार में इसका अहम भूमिका है। सरकार जो है हर घट की व्यवस्था किया है, प्रशासन की लगाई शासन लगाई सारी व्यवस्था। धन्यवाद। आप इस पर्व के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को संदेश देना है कि ये सकुशल त्यौहार सफल हो, इसलिए हम लोग सबको जनता को हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। पर्व क्यों मनाया जाता है, कहाँ का? और ये सूर्य भगवान की आराधना के लिए आज पूरे देश में छठ पर्व मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसी क्रम में हमारा पूरा गांव सिन्हा आज हर्षोल्लास के साथ शिव मंदिर के पवित्र पोखरे पर अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ देकर आज अपना पूरे का भागी बना। सर, इस त्यौहार को मनाने के लिए किस श्रद्धा से मनाया जाए, आप अपने ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना? सबकी अपनी अपनी एक श्रद्धा है, जो जिस रूप में भक्ति के रूप में मना रहा है, किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कोई मना रहा है, कोई अपने पति और पुत्र के दीर्घायु के लिए मना रहा है। भाईचारे को ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? तो भाईचारा का पर्व है, भाईचारा के पर्व के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। यह कितने देर तक कार्यक्रम शाम का चलेगा? अभी बस अब 15 से 20 मिनट तक और चलेगा। फिर सुबह कितने बजे? लोग 3:30 बजे से। सर, चूंकि ये आस्था का चीज़ है, चूंकि पूरे हिंदुस्तान मना रहा है, इस पर पूरे हिंदुस्तान मनाने के पर्व पे आप कुछ खास क्षेत्रवासियों को, आप क्यों पर्व कहाँ से आया, छठ क्यों मनाई जाती है, इसका? ये मुख्य रूप से सूर्य का अर्घ है जी। सूर्य को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ आज शाम को दिया जाएगा और कल उदयाचल सूर्य को अर्घ दिया। पहले तो हम लोग यहाँ कहीं थे यूपी में, आया कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से इसका? ये तो हम लोगों के हर धार्मिक किताबों में है, ग्रंथों में है इसका प्रचलन जी। धन्यवाद कि आप अध्यापक गण हैं, देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके पर्व पर, चूँकि आस्था का पर्व है, और ये छठ कहाँ से आया, शुरुआत इसकी कहाँ से? देखिए, ये छठ महापर्व की शुरुआत जो है बिहार से ही मानी जाती है और इसको आज पूरे देश में हर्षोल्लास और भाईचारे प्रेम सौहार्द के साथ मनाया जाता है। और मैं चेतन किशोर ग्राम सभा जिला बलिया की तरफ से सभी देशवासियों और अपने ग्राम सभा के समस्त बड़े छोटे सभी भाइयों को, बहनों को और सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही इसी प्रकार से भाईचारे सौहार्द के साथ छठ का महापर्व जो है मनाया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, आप पत्रकार बंधुओं को भी देता हूं कि आप हमारी तरबतीय ए इल्जाज, जी हां, गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर के मदरसा जमनिया अरबिया मखन नूल उलूम दिलदार नगर में एक तरबती के इल्जालाश का कार्यक्रम रखा गया। इसमें जमियते उलेमा हिंदू के मौलाना मोहम्मद अजहर मदनी नायब सदर उत्तर प्रदेश ने कहा कि देश के सारे भाई मिलजुल कर रहें, नफरत ना करें, जिससे NRC संबंधित बात पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की क्या नियत है कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अपनी सारी कागजात सही रखे, सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम होना चाहिए। तिलावत मौलाना आनंद साहब ने किया, नात अंसार आलम, संचालन मौलाना अब्दुल मलिक दिलदार नगर मदरसे से, मुहतीम व जिला अध्यक्ष जमियते उलेमा हिंदू गाजीपुर
अहमदुल हुसैनी ने किया, जिसमें जिला सचिव मौलाना अजहर असदीक, कोषाध्यक्ष मौलाना शमीम आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद जफर इकबाल की रिपोर्ट। मौलाना साहब, दिलदार नगर के इस जो मौजूदा बात किए, बयान दिए, और हमारी कौम जो अभी काफ़ी गफलत में रहती है, उनको सही रास्ते बुलाने के लिए क्या आपका एक अपनी कौम को गफलत से बाहर निकालने के लिए हमारा कोई नया रास्ता नहीं है। हम तो वही बताते हैं जो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बताया था, और हम अपनी कौम को सारी दुनिया के समझ और उनकी सोच से हट करके कि दुनिया लोगों को लेके जाना चाहती है आगे की तरफ, हम अपनी कौम को पीछे की तरफ ही ले जाना चाहते हैं कि वहीं नजात है, वहीं कामयाबी है। मौला से ये तरबियती इजलास हुआ है, इसके माध्यम से जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं उलमाओं को, कैसी तरबियत है, क्या है ये जो अभी अभी इजलास हुआ है? उलमा के जो कारकुनान हैं, जमीयत उलमा से जो मोहब्बत रखने वाले हैं, उनको जिस तरीके से हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए तरबियती कैंप लगाती है, उसी तरीके से जमीयत उलमा भी अपने खादिमों के लिए तरबियती कैंप लगाती है, ताकि वो जमीयत उलमा से वाबस्तगी और जमीयत उलमा से उनकी मोहब्बत बरकरार रहे और उसके अंदर इजाफा होता रहे। और ये बताते हैं हम कि आपकी जमात, जिस जमात से आप वाबस्ता हैं, वो काम कर रही है मैदान में और गाफिल नहीं है। हम अपनी खिदमात को मुल्क के लिए जिस तरीके से पहले पेश करते चले आए हैं, आज भी पेश कर रहे हैं और हमेशा पेश करते हैं। सर, ये जो एनआरसी लेके तमाम तरह तरह के जो आ रहे हैं मौजू, और लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में कुछ क्या? एनआरसी के सिलसिले में मैंने वहाँ बताया था कि एनआरसी इस वक्त जो आसाम में चल रही है, दूसरे सूबों में जो आएगी उसकी नौइयत कुछ और होगी, और वो नौइयत क्या होगी उसको न मैं बयान कर सकता हूँ, न आप बता सकते हैं। अपना दिमाग का और जहन का जो भी छोड़ना चाहें आप, सोशल मीडिया पे कुछ भी कह सकते हैं आप। इस वक्त जो मसला है वो सिर्फ ये है कि अपनी आइडियो को आप दुरुस्त कराइए। यही पैगाम आप अपनी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए कि भाई अपनी आईडी दुरुस्त कराओ, आधार कार्ड से लिंक कराओ, नाम पता एक कराओ, बाप का नाम एक होना चाहिए, आपका नाम एक होना चाहिए। इस वक्त सब ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। जिनकी नहीं बनी हुई आइडिया उनके आइडिया बनवाइए, जिनकी बन चुकी हैं और गलत हैं उनकी तस्दीक कराइए। इस वक्त तो सिर्फ इतना बेटा है। एनआरसी के सिलसिले में कुछ भी बोलना और कुछ भी टिप्पणी करना वक्त से पहले ये शायद ज़रूरत चीज़ है। शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।